फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छपरा क्रिएशन प्रेम में। तो फ्रेंड्स, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर है जो कि इंस्टा पे मैसेज करके मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा वीडियो कैसे एडिट करते हो, प्लीज़ बता दो। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो गाइज, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी बता सकते हैं मुझे कि कैसे क्या होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम अपने काइंड मास्टर ऐप में इन होते हैं, अंदर जाते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर सिंपल सा ब्लीच वाला क्लिक पे, उसके बाद 9:16 वाला कर लेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड ले लेते हैं, कोई सा भी एक यही ले लेते हैं बैकग्राउंड, और वीडियो का जितना लंबा अपना स्टेटस के लिए रखना है उतना हम लोग रख लेंगे सिंपल सा। उसके बाद अपना इस हो जाने के बाद, उसके बाद सिंपल सा लेयर पर क्लिक करके, मीडिया पर क्लिक करके, और उसमें से पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो अपना दो पिक्चर जो ऊपर और नीचे रहेगा और बीच में वीडियो चलने के लिए। तो हम लोग सिंपल सा दो पिक्चर सेलेक्ट करना है, तो एक ये कर लेते हैं जो कि HD क्वालिटी में होना चाहिए, तभी वीडियो अच्छा लगेगा। फोटो ही HD क्वालिटी में होना चाहिए तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं अच्छा लगेगा। और एक और हम लोग चूज लेते हैं, चलिए, और सिंपल सा इसको भी कर लेना है इस टाइप के, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है इसको। और उसके बाद इसको, इसका भी लेंथ बढ़ा लेना है उतना पे ही, वीडियो के हिसाब से जितना बनाना है। अपना वो इफेक्ट डालेंगे ग्रीन स्क्रीन वाला, तो फिर से हम लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर मीडिया पे क्लिक करेंगे, और हम अपना वो इफेक्ट लगाएंगे ऐसे करके, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जहाँ तक एडजस्ट हो, और इसको सिंपल सा इस तरफ कर देंगे। इस तरफ करने के बाद हम लोग इसका भी लेंथ उतना ही कर देंगे जितना कि वीडियो को रखना है हमें। और उसके बाद हमें इसको इस पर क्लिक करके फोटो वाले पे, और इसको सेंड टू बैक कर देना है, फिर नीचे वाले को भी इसी तरफ करके सेंड टू बैक कर देना है। और इतना हो जाने के बाद हमें सिंपल सा इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद, एक्सपोर्ट होने के बाद हम फिर से इन इस सब को डिलीट कर देंगे, इसको इसको हटा देंगे, और फिर ये बैकग्राउंड को रहने देंगे। अब बैकग्राउंड हमारा रहने देने के बाद, उसके बाद हम अपना फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर मीडिया पे क्लिक करेंगे, और फिर हम जो वीडियो जिसको हमें बनाना है उस वीडियो को हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे, हमें चूज कर लिए, और इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद फिर से हम इसको जितना हो गया है, उसके बाद हम लोग फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, और जो एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया था वहाँ पे हम लोग जाएंगे, एक्सपोर्ट कर वाले को लाएंगे, और यहाँ पे इसको बराबर कर देंगे हम अपना। ये बराबर होने के बाद मैं कुछ नहीं करना है, जस्ट इस पर क्लिक करके और क्रोमा की के ऑप्शन पे जाना है, और इसको इनेबल कर देना है, और 50-50 कर देना है। इसको करने के बाद हम थोड़ा वीडियो को और जूम कर लेते हैं, क्योंकि ये कवर हो जाएगा पूरे तरीके से, और यहाँ पे हमारा वीडियो कवर हो चुका है और बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो गाइस, हम प्ले करके आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारा वीडियो पूरा बन के रेडी हो गया है। अब आपको जो लोगो लगाना है या जो भी लगाना है, तो आप अपने मर्जी से जहाँ मन करे जैसा लोगो लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एक छोटा भाई समझ कर ही। तो धन्यवाद।